हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल न्यूज 48। आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण न्यूज सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपको आंगनबाड़ी बहनों की महत्वपूर्ण अपडेट्स सबसे पहले प्राप्त होंगी। बहनों, आप जानते हैं देश में नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, जिसके तहत देश भर में शिक्षा का जो स्तर है उसे ऊपर उठाने का प्रयास किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में अब सरकार प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू करने जा रही हैं। जी हां बहनों, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान और अन्य राज्यों में भी अब ये शुरू होने जा रहा है। अब जल्द नौनिहालों को आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलेगी सुविधा, तैयारी में जुटे विभाग। सरकार जल्द आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी कक्षाओं को शुरू करने जा रही है। इसके लिए विभाग ने तैयारियाँ तेज कर दी हैं। 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों के पाठ्यक्रम सहित शिक्षकों की पात्रता के विषय में भी जो है वो प्रस्ताव भेजा गया है। अब इन स्कूलों के अंदर जो है वो आंगनबाड़ी कक्षाएं जो शुरू की जाएंगी, आंगनबाड़ी केंद्रों में जो प्री प्राइमरी कक्षाएं, वहां पे जो अध्यापक रखे जाएंगे उनको लेकर भी क्या योग्यता होनी चाहिए ये तय किया जा रहा है। इसके साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को बढ़ाने की, और उन्हें भी जो है वो एक शिक्षिका की तरह जो है वो यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। जल्द ही कानपुर देहात जनपद में निजी स्कूलों की बजाय आंगनबाड़ी केंद्रों में ही बच्चों को प्री प्राइमरी स्कूल की पूर्ण सुविधा मिलेगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में आधारभूत सुविधाएं जुटाने के लिए कायाकल्प अभियान की तरह सहयोग लिया जाएगा। फिलहाल परिषदीय विद्यालय परिसर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रथम में प्री प्राइमरी स्कूलों की शुरुआत की जाएगी। विभाग ने इसके लिए पाठ्यक्रम तय करने का काम शुरू कर दिया है। अगले सत्र से प्री प्राइमरी स्कूल शुरू करने की तैयारी है, हालांकि 2 माह का समय सत्र समापन में बचा है। दरअसल प्री प्राइमरी के लिए स्कूली शिक्षा महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी ने सभी जिलों के बीएसए को प्री प्राइमरी स्कूलों के संचालन के लिए स्कूल परिसर में ही संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची व संस्थाओं के बावट की रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद जनपदों से मिली रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने अगले सत्र से ही पाठ्यक्रम तैयार न करके होने की दशा में आंगनबाड़ी में पढ़ाई जाने वाली क्रियात्मक पुस्तक पहल को ही पाठ्यक्रम के मुताबिक तैयार करने का सुझाव दिया। हालांकि राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद को पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तब उत्तर प्रदेश के अंदर आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी के रूप में बदला जा रहा है। आंगनबाड़ी का कायाकल्प होगा बहनों, जहां पे आंगनबाड़ी केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं जैसे शौचालय, पानी, बिजली आदि की सुविधा का अभाव है, उन सभी को दूर किया जाएगा। बच्चों को बैठने के लिए जो है मेज कुर्सी आदि की व्यवस्था होगी। आंगनबाड़ी में प्ले स्कूल की तरह पे जो है वो खिलौने आदि बच्चों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा आंगनबाड़ी बहनों को भी जो है वो सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। विभाग की तरफ से सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए SCRT के मास्टर ट्रेनर बाल विकास पुरस्कार विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों व पर्यवेक्षकों को मास्टर ट्रेनरों के रूप में प्रशिक्षित करेंगे। साथ ही इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को प्रत्येक 3 माह में लर्निंग आउटकम पर भी रखा जाएगा। वैसे नई शिक्षा नीति में भी 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो अब नई शिक्षा नीति के अनुसार ही ये सब कुछ होगा। तो उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी में बदला जा रहा है, और इसके लिए आंगनबाड़ी बहनों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसके साथ साथ जो है वो आंगनबाड़ी में जो भी सुविधाओं का अभाव है उन सभी को भी पूरा किया जाएगा। तो इसके साथ बहनों का वेतन भी बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जब आंगनबाड़ी बहनों का काम इतना बढ़ रहा है तो उनका वेतन भी बढ़ाया जाना अत्यंत आवश्यक है। तो बहनों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आंगनबाड़ी की न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।